डैड, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ऐसे अचानक आप लोगों को बिना बताए घर छोड़कर आना पड़ा, बट मैं जहाँ भी हूँ बहुत बहुत खुश हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी तो यही चाहते हो कि मैं जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि आई एम वेरी मच हैप्पी हियर। बाय, टेक केयर। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था ना यहां रुको? मुझे सोनाली से मिलना है। कहां है वो सोनाली? यहां कहीं नहीं है, और भगवान के लिए यहां से चले जाओ। तुम यहां से जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं तो यहां से चले जाऊंगा, लेकिन आपने जहां भी उसे छुपा के रखा है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। समझ में नहीं आता, सगाई के बाद सोनाली अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे समझने का ना, वो तेरे को पसंद नहीं करती होगी, समझा? दूसरे छावे को फंसाई और उसके साथ भाग गई। कभी देखो विशाल, हमारे पुलिस स्टेशन में कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लड़कियाँ पेरेंट्स के दबाव में आकर सगाई कर लेती हैं, लेकिन शादी से पहले डर जाती और भाग जाती। नहीं सर, सोनाली ऐसी नहीं थी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे सर। सर, सोनाली के पेरेंट्स शुरू से ही हमारी शादी के अगेंस्ट थे, और शायद इसीलिए। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उस लड़की के माँ बाप ने उसे कहीं छुपा के रखा? हाँ सर। साहब हम तो तैयार थे, शादी उसकी अपनी मर्जी से हो रही थी, लड़का भी उसने अपनी ही पसंद का चुना था। फिर ऐसा क्या हो गया? सगाई के दूसरे दिन ही अचानक वो गायब हो गई। बहुत ढूंढा, हमें लगा शायद वो अपने किसी दोस्त के घर गई होगी या फिर विशाल के यहाँ, लेकिन साहब ना उसका कोई फोन आया ना ही कोई खबर लगी। और अगले दिन उसने डीवीडी भेज दिया। मॉम, डैड, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ऐसे अचानक आप लोगों को बिना बताए घर छोड़कर आना पड़ा, बट मैं जहाँ भी हूँ बहुत बहुत खुश हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी तो यही चाहते हो कि मैं जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। और अगर मेरी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन आई एम वेरी सॉरी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी हियर। बाय, टेक केयर। इस डीवीडी के मिलते ही आपने उसकी तलाश करनी बंद कर दी? तो क्या करते इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी घर से भाग कर उसने हमारी नाक कटवा दी थी, अब वो बोल रही है कि वो खुश है तो रहे खुश। आप उसकी माँ हैं मैम, अगर ये वीडियो गलत हुआ तो
आप घबराइए मत मैम, सोनाली को हम ढूंढ निकालेंगे। आप बस इतना बताइए कि आखिरी बार आपने सोनाली को कब देखा था? 10 दिन पहले वो घर से बोल के निकली थी कि वो बुटीक जा रही है अपनी शादी की ड्रेस लेने के लिए। सोनाली, वो तो अपना शादी का ड्रेस कलेक्ट करने आई भी नहीं, बाद में पता चला कि उसकी शादी भी कैंसिल हो गई। लेकिन वो तो घर से ये कह के निकली थी कि आपके पास आ रही है। यहाँ आने के लिए? जी हाँ। जरूर किसी और से प्यार करती होगी, या फिर शादी का मूड ही नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले ही एक और लड़की ने ऐसे ही अपनी शादी तोड़ दी। क्या नाम है उसका? पूर्वी। क्या हमें पूर्वी का एड्रेस मिल सकता है? देती हूँ, अगर आप उससे मिलेंगे तो प्लीज कहिएगा कि वो शादी करे या ना करे, लेकिन अपनी ड्रेस यहाँ से ले जाए। एड्रेस प्लीज। हाय मॉम डैड, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे अचानक आपको बिना बताए घर छोड़कर आ गई। मैं जानती हूँ आपको दुख हुआ होगा। अगर सर पूर्वी ने भी सेम लाइंस बोली है जैसा सोनाली ने उस वीडियो में बोला था, बैकग्राउंड भी सेम है और यहाँ तक कि लिफाफा भी, इसमें डीवीडी आई है। इसका मतलब है कि सारी वीडियोस एक ही जगह पे ली गई, उसके बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ गड़बड़ है, पता ही नहीं चला कब चली गई। सर ये देखिए सर, खिड़की पर दोनों तरफ निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जबरदस्ती इस खिड़की को खोलने की कोशिश की है। ये तो पूर्वी की नाइट ड्रेस का टुकड़ा है। इसका मतलब है कि पूर्वी की किडनैपिंग इसी खिड़की के रास्ते से होगी। आदित्य देखो, घसीटने के निशान और साथ में ये जूते के निशान भी। ये देखो जूते के निशान और ये उंगलियों के खरोचने के निशान, इसका मतलब है वो पूर्वी को इसी रास्ते से लेके गया है। चलो उस तरफ चल के देखते हैं। ये देखो टायर के निशान। इन टायर के मार्क्स को देख के लगता है कि ये या तो कोई छोटी गाड़ी थी या फिर कोई वैन थी, और ये टायर मार्क्स वहां रोड तक जा रहे हैं। ये देखिए सर, चूना पत्थर। पता चला ऐसा चूना पत्थर कहाँ क्रश किया जाता है? चलो खेल खेलने का समय आ गया है, पकड़ो ये चाकू और मार दो उस लड़की को। लो। मैं नहीं मारूंगी किसी को, मैं किसी का खून नहीं कर सकती। ठीक है, फिर वो तुम्हें मार देगी। देखो सिंपल गेम है, या तो मरो या मारो, और कोई चॉइस नहीं। चलो पकड़ो ये चाकू और मार दो उस लड़की को। चलो सिंपल गेम है, या तो मारो या मारो, और कोई चॉइस नहीं। या तो मारो या मारो। ये पुलिस की क्या जोर जबरदस्ती है सर, मैं शरीफ आदमी हूँ। सर जी, जो वही शरीफ आदमी जो उस चूना फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, ये उसी एरिया में सर जी यहाँ से सीटी भेजी गई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पता नहीं कोई जबड़े नहीं खोल रहा। सर आप बोलो तो तोड़ दूं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया का भजन हर चोरी करने वाला गाता है, लेकिन अब तुझे तेरी चोरी के लिए नहीं किसी दूसरे काम के लिए बुलाया। अपनी फैक्ट्री के इलाके में किसी आदमी को एक वैन के साथ देखा है तूने?
या सर, वहां पे तो इतनी सारी गाड़ी आती है, ऐसे कैसे बता दूं? मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे? ऐसे वैसे नहीं, सोच समझ के बता। उस आदमी ने कई सारी लड़कियों को किडनैप किया है, अब जल्दी से अपना जबड़ा खोल वरना। हाँ सर, सर याद आया सर, देखा है एक सफेद रंग की वैन आती है। कहाँ आती है? फैक्ट्री में। क्या करने? चूना खरीदने। चूना खरीदने? जी सर, पर बहुत अजीब बात है सर, हमारे चूना फैक्ट्री में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर चूना बनाया जाता है। वो आदमी उस पथरीले चूने की बोरियां खरीदने आता है। मैंने उसे कहा भी कि अगर चूना चाहिए तो मार्केट से पाउडर फॉर्म में ले ले, पर वो मुझ पे ही भड़क गया। कौन है वो आदमी, कैसा दिखता है? सर कौन है वो तो पता नहीं, पर दिखता तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं जाऊं? खैर जा भाई। हाँ, के मत बोल गया तेरा। सर वो इतने बड़े 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 गॉगल लगा के आता है। चेहरा याद है? मुश्किल है सर, वो चश्मा और टोपी लगाकर ऐसे हीरो बन के आता ना, ऐसे में चेहरा दिखता नहीं तो याद क्या रहेगा। फिर भी जो थोड़ा बहुत याद है हमारे स्केच आर्टिस्ट को बताओ। आ जा भाई। ए सुन सुन सुन, इधर इधर, ये टोपी चश्मे वाला तेरे पास महीने में कितनी बार आता है? सर दो तीन बार। छूने का करता क्या? सर मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, प्रॉमिस। डिलीवरी कहाँ करता है? पता नहीं सर, पर आते वक्त वो राइट साइड से आता है सर, शहर की ओर से, और जाते वक्त लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, जंगल की ओर। जंगल में? वहाँ चूना लेकर क्या करता है? मुझे क्या पता सर, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस। कम ऑन बॉयज, लेट्स गेट रेडी, हमें जल्द से जल्द उस आदमी को गिरफ्त में लेना है। बता तो चले इतना सारा चूना लेकर किसे चूना लगाने जा रहा है? सुपरवाइजर के हिसाब से चूना फैक्ट्री के राइट में यही जंगल पड़ता है, यही देख। टायर के मार्क्स, जस्ट फॉलो इट। ये टायर का आखिरी निशान, इसका मतलब है कि गाड़ी उसने यहीं रोकी होगी। सर शायद वो गाड़ी से ही उतरा होगा। चलो आगे चल के देखते। इतनी सारी लाशें, कम ऑन। सर छह लाशें मिली एक साथ एक ही गड्ढे में, और उन्हें गलाने के लिए उसके ऊपर लाइमस्टोन डाला गया है, यानी कि चूना। सभी लाशें लड़कियों की हैं? जी हाँ सर, कुछ लाशें तो गली नहीं है, लेकिन जो गल चुकी हैं उनके भी पेल्विक बोन देख के यही पता चलता है कि वो लड़कियां ही हैं। बेचारी न जाने कौन कौन लड़कियां होंगी, ऐसे ही जान से मार दिया मासूम लड़कियों को। एक बार मिलने दो, देखना मैं क्या करता हूँ। तुमने कहा चूना डाला है, राइट? जी हाँ। सर ये सोनाली, इसके माँ बाप अभी तक सोचते हैं कि ये जिंदा है। ये बेचारी शायद 10 दिन पहले मरी होगी, वो लाश तो सड़ चुकी है, इसके कंकाल बन चुके हैं, लगता है 1-2 महीने पहले मारा इन्हें। सर उस दूसरी लड़की पूर्वी का भी कुछ पता नहीं चला है सर, सर उसे भी उसकी शादी से पहले ही उठाया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस साइको ने उसे भी? सर वो एक के बाद एक सबको मारते जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। बहुत दिमाग वाला है ये, वैशी भी, खून करने की प्रबल इच्छा जागती होगी इसके मन में, जिस लड़की की शादी होने वाली है उसी को उठाता है ये चूना। वो चूने की फैक्ट्री वाला भी यही कह रहा था। एक काम करो, उसे फोन करो और फौरन ऑफिस में बुला लो।
उसने जो स्केच बनवाई है और हमारे डेटाबेस में जो शक्लें हैं उन्हें मैच करो, उसे दिखाकर। हो सकता है उन्हीं में से एक हमारा मुजरिम हो। शोस, अभी कॉल करता। सर, दो तीन बार ट्राई किया, वो फोन नहीं उठा रहा है। ट्रैक करो उसे, पोजीशन फाइंड आउट करो। उस साइको तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये आखिरी कड़ी है। सर, मोबाइल ट्रैकर के हिसाब से उसका फोन यहीं कहीं होना चाहिए। सर, सर, किसी की गाड़ी चल रही है। सर, ये तो वही चूना वाला सुपरवाइजर है। सर, ये बिल मिला। ये किसी गैराज या सर्विस स्टेशन का बिल लगता है। इस गाड़ी की सर्विसिंग यही होती होगी। चौरी, इस पर एड्रेस लिखा है, तुम इसके मालिक का पता कर लो। कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई सफेद कलर की वैन आई थी सर्विसिंग के लिए। सर, सफेद रंग की वैन? हाँ, एक काला चश्मा पहना हुआ आदमी उसे लेकर आया था। देखिए सर, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। आपकी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा हूँ। जो पूछ रहा हूँ उसे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सफेद रंग की वैन थी और काला चश्मा पहना हुआ आदमी उसे लेकर आया था, याद करके बताइए। आया था सर। यही आदमी है वो? सर, चश्मा तो ऐसे ही पहना हुआ था और आदमी भी यही लग रहा है सर। पर सर, मैं पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकता कि यही वो आदमी है। इसे दोबारा यहाँ पे कभी देखा है? सर, कई बार इस रूट पर गाड़ी लेकर आते जाते देखा है सर मैंने इसे। थैंक यू, जाइए अपना काम कीजिए। थैंक यू सर। यहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी, किसी ना किसी ने इस आदमी को जरूर देखा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी इस रस्ते पे किस मकसद से आता है। चलो। इसको देखा है कहीं? हाँ सर, उस बंगलो में आते जाते देखा है। सर, तो बेसमेंट का रास्ता है। देखो, हम तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें।